अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने स्लीव्स का डिज़ाइन तैयार किया है, जिसके बीच में सेंटर में हमने नेट वाला कपड़ा लगाया है, ठीक है। साइडों में हमने इसकी कटवर्क की है और नीचे भी हमने इसके कटवर्क किए हैं। चलो शुरू करते हैं। स्लीव्स हमने किस तरह तैयार की है, ये देखिए हमारे पास स्लीव्स का कपड़ा है, ठीक है। एक स्लीव्स का कपड़ा हमारा, जितनी आपकी लंबाई है स्लीव्स की, जैसे कि 22 इंच आपकी लंबाई है, उसी हिसाब से आप इसका कपड़ा निकाल लें, कपड़ा ये ले लें, ठीक है। और इसकी चौड़ाई आपकी जो एक स्लीव्स का चौड़ाई होती है, उसी चौड़ाई के हिसाब से आप इसका कपड़ा ले लें, ठीक है। अब देखिए हमने इसके कटवर्क किए हुए हैं, बुकरम पे हमने इसके कटवर्क किए हुए हैं। यहाँ पे हमने इसका आधे इंच के गैप रखा हुआ है, और ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। ये देखिए आधे इंच का ये गैप है हमारा, और उसके बाद 1.25 इंच की जो है ना हमारा ये रिंग बना हुआ है, हाफ सर्कल बना हुआ है, ठीक है। इसके मैंने कटवर्क किया हुए, ये मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, इसलिए मैंने इसकी कटिंग करके कपड़े पे चिपका लिया, ठीक है, इसी स्लीव्स की लंबाई के हिसाब से। अब देखें एक हमने इस साइड पे लगाना है, यहाँ पे इसी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और एक इसकी दूसरी साइड पे लगाना है, इस साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। पहले एक सीधी सिलाई लगा लें आप, ठीक है, ताकि फिर ये अपनी जगह से हिले ना, एक ही जगह पे इसे फिक्स होगा और आप सिलाई लगा लेंगे। पूरी पट्टी पे इसी तरह सिलाई लगा लेंगे, इस साइड पे भी और इसकी दूसरी साइड पे भी। ये देखिए मैंने कटवर्क करके सिलाई लगा के, इसके कटवर्क करके कटिंग करके इसकी मैंने, ठीक है, यहाँ नोक पे भी कट लगा के इसे मैंने पलट लिया, प्रेस कर लिया इस साइड पे भी और इसकी दूसरी साइड पे भी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक ये नेट है, ये भी जितनी हमारी स्लीव्स की लंबाई हो उतना ही हमारी ये नेट है, और 10 इंच चौड़ाई है इसकी, ठीक है। तो इसका भी हमने कटवर्क किया हुआ है बुकरम पे। अब देखिए हम अगर इसे इस तरह लगाते हैं, तो जब हम इसे पलटेंगे तो ये हमारी बुकरम जो है ना शो होगी, यहाँ से दिखेगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसे नीचे इसी तरह का कपड़ा रख लेंगे, उसके ऊपर हम यहाँ पे इसे रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इसका भी मैंने कटवर्क करके इसे पलट लिया, ठीक है। देखें इसके नीचे जो हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ये रहा, अब इसे हम बुकरम के बराबर में काट लेंगे। अब इस कपड़े का ये जो हमारा पास जिस पे हमने बुकरम चिपकाई है, इसमें हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा हुआ था, अब इसे हम मोड़ लेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखें ये हमारी उल्टी साइड है, इस पे कैसे बुकरम झलक रहा है, ठीक है, इसमें बहुत हद तक कवर हो गया हमारा। अब इसकी इस स्लीव्स की जो है ना कटिंग करेंगे हम काउंटर पे। अब ये देखें हमारे स्लीव्स का बीच वाला पीस है, ठीक है, इसे हम यहां से डबल कर लेंगे। और इसके दोनों साइड पे हमने कटवर्क किया है, इसे भी हम यहां से इस तरह डबल करेंगे। और यहाँ पे इस तरह सेट करेंगे, देखें इस कटवर्क का जो नोक है इस नोक से मिला देंगे हम इस तरह, और यहां से ये जो है ना कटवर्क इसके बराबर रख लेंगे, ये इस तरह आ जाएगा। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। देखें हमारी स्लीव्स जो है ना तैयार, ये देखें ये 22.5 इंच है, ठीक है, तो आधे इंच हमारा ऊपर दबाव में जाएगा, बाकी 21.5 इंच हमारी स्लीव्स तैयार हो जाएगी। अब इसे यहाँ पे 4.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पे इसे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये तो हम साइज के हिसाब से निशान लगाते हैं, बाकी नीचे जो है ना आपने इतनी चौड़ाई रखनी है 9 इंच। अब इसे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब देखें इसे हमने किस तरह काटना है, यहां पे हम इसे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है, और यहां पे इसे इस तरह मिला लेंगे।
फिटिंग कर लेंगे इसकी। इसे एक हमें इस साइड पे लगाना है, इसके सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आ जाएगा इस साइड पे, और एक इसकी दूसरी साइड पे आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा। यहाँ से हमारा ये बराबर मिल जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे कपड़े को इस तरह उठाएंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम इसे भी यहाँ पे कपड़े को उठाएंगे, इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे, दोनों पीस आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसकी सिलाई लग गई। अब इस साइड पे भी इसी तरह हम लगा लेंगे। ये देखें, इसकी दूसरी साइड की भी डिज़ाइनिंग मैंने लगा दी इसके साथ, ठीक है। अब इसके आगे यहाँ जो है ना, मैंने फिनिशिंग लगानी है दोनों साइड पे। ये हमने पट्टी ली हुई है 2.5 इंच चौड़ी, इसे यहाँ से मोड़ लेंगे, और यहाँ से हमने इसकी जो है ना पट्टी लगानी है। इससे आधा इंच बढ़ता हम रखेंगे यहाँ से, और यहाँ से इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इसे इस तरह ऊपर उठा लेते हैं। अब इसे यहाँ से मोड़ लेंगे इस तरह, और यहाँ से इस पट्टी को इस तरह मोड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह भी मोड़ लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे तुरपाई कर देंगे, इसकी दूसरी साइड भी इसी तरह हम पट्टी लगा के तुरपाई कर देंगे। ये देखो, हमने यहाँ पे तुरपाई कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी सिलाई लगा दी स्लीव्स की। ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई।